स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम मीन्स क्या? ठीक है, नेटवर्क क्या होता है? जहाँ एक वायर, सपोज एक वायर या एक हब का कनेक्शन दूसरे ब्रिज के साथ एंड उस ब्रिज का कनेक्शन दूसरे हब के साथ। तो ये हब और ब्रिज क्या होता है? जहाँ आपने देखा होगा, हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो वहाँ पे हम कुछ सर्किटरी को डिज़ाइन करते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सर्किटरी होती है, तो वो क्या हो गया? बहुत बड़ी सर्किटरी यानी कि वो एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क जिसके कॉम्बिनेशन, ठीक है, अब नेटवर्क क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट। जहाँ पे हम सर्किटरी डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। और नेटवर्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट। अब ये किस टाइप के कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब मेरा नेटवर्क हो रहा है। तो कंपोनेंट क्या है? मेरे कंपोनेंट एक लीनियर कंपोनेंट होता है, एक बायलैटरल कंपोनेंट होता है और एक नॉन लीनियर कंपोनेंट होता है। इन जो लीनियर, नॉन लीनियर या बायलैटरल कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से मैं जो सर्किट डिज़ाइन कर रही हूँ, उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट। अब मैं एक लीनियर कंपोनेंट सपोज कर रही हूँ, रेजिस्टेंस। ठीक है, एक कंपोनेंट का मैं उदाहरण लेती हूँ। नेटवर्क क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट सच एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये क्या हो गया? मेरा एक कंपोनेंट हो गया जो कि इंटरकनेक्टेड है एनी वे। तो इंटरकनेक्टेड इन एनी वे का मतलब वो रेजिस्टेंस का मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्शंस दिए हैं और उस रेजिस्टेंस के कनेक्शंस देके और उस रेजिस्टेंस से मैंने जो सर्किट डिज़ाइन की है, वो सर्किट क्या हो गई? मेरी नेटवर्क हो गई। तो नेटवर्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट सच एज रेजिस्टेंस इज इंटरकनेक्टेड इन एनी वे। रेजिस्टेंस क्या है मेरा? जो कि कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है एनी फॉर्म में। नेटवर्क थ्योरम प्रोवाइड अ शॉर्टेस्ट मेथड। नेटवर्क थ्योरम क्या प्रोवाइड करता है? शॉर्टेस्ट मेथड को प्रोवाइड करता है, सॉल्व करता है मेरी इलेक्ट्रिकल सर्किट को। ठीक है, नेटवर्क थ्योरम प्रोवाइड अ शॉर्टेस्ट मेथड एंड टू सॉल्व द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन। अब वो कैसे सॉल्व कर रहा है? दिस थ्योरम enable to convert the network into a simple circuit. मेरी electrical circuit को वो solve कर रहा है। This theorem which is are enable to convert, ये theorem मेरा enable है for a conversion of एक बड़े से circuit को, यानी कि एक large circuit को एक simple circuit में convert कर रहा है। Then it's a original circuit. That's इसका मतलब क्या हो गया कि दिस थ्योरम विच इज़ आर इनेबल टू कन्वर्ट अ नेटवर्क इनटू अ सिंपल सर्किट। अगर मैं नेटवर्क में बात कर रही हूँ तो ये थ्योरम क्या कर रहा है? एक बड़े से नेटवर्क को या एक बड़े से इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर रहा है। देन इज इक्विवेलेंट टू अ ओरिजिनल फॉर्म। देन उसके बाद हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। इसके पहले हमने KVL और KCL ये दो लॉज देखे थे और उसके अकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ करंट अक्रॉस वोल्टेज, उस टर्मिनल का वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया था। नाउ टुडे आई हैव टू बी डिस्कस अ सुपरपोजिशन थ्योरम, जो कि एक नेटवर्क थ्योरम का क्लासिफिकेशन होता है। या नेटवर्क थ्योरम का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो कि नेटवर्क में जो ब्रांच, नेटवर्क में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को कैलकुलेट करता है। ठीक है, कैलकुलेट करंट एज शोन इन द सर्किट। कोई भी सर्किट का करंट क्या करता है? कैलकुलेट करता है मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम। देन इस टर्मिनल का वोल्टेज भी वो कैलकुलेट कर सकता है मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है उसको हम पहले देखते हैं। एक सुपरपोजिशन एक ऐसा नेटवर्क है, सुपरपोजिशन थ्योरम इस ऐसे नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सोर्सेस काम कर रहे हो। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम मैं कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ? ऐसे सर्किट में या ऐसे नेटवर्क में अप्लाई कर सकती हूँ जहाँ पे दो सोर्स हो या दो से ज़्यादा सोर्सेस हो। अब सोर्सेस
क्या हो सकता है? मेरा एक तो करंट सोर्स भी हो सकता है या फिर मेरा वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, और उसका अलजेब्रिक सम ऑफ इफेक्ट क्या कर रही हूँ मैं, प्रोड्यूस कर रही हूँ सोर्स को एक्टिंग करके। तो अलजेब्रिक सम ऑफ इफेक्ट यानी कि क्या उस सर्किट का मैं करंट भी कैलकुलेट कर सकती हूँ इस थ्योरम को अप्लाई करके, या उस सर्किट का टर्मिनल वोल्टेज भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो नाउ मुझे करंट और वोल्टेज को अप्लाई करना है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल हो या सोर्स एक्टिंग कर रहे हो, मोर देन टू सोर्स और एक्टिंग इन अ सेम सर्किट। अगर एक सर्किट में दो से ज़्यादा सोर्स वर्कआउट कर रहा है, दो से ज़्यादा सोर्स काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है ये हमें क्लियरली समझ गया। सुपरपोजिशन थ्योरम जो कि नेटवर्क थ्योरम का पार्ट है, और सुपरपोजिशन थ्योरम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा सोर्सेस क्या हो, अवेलेबल हो। अब वो सोर्सेस क्या होंगे, एक तो मेरा करंट सोर्स भी हो सकता है या फिर मेरा वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम देखो, इन अ नेटवर्क कंटेनिंग टू और मोर सोर्सेज द रिजल्टेंट सोर्सेज करंट एंड वोल्टेज इन एनी ब्रांच ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस द सोर्स एक्टिंग अलोन। अगर दो से ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल है तो अलजेब्रिक सम ऑफ इफेक्ट मुझे कैलकुलेट करना है, और ये सोर्स को एक्टिंग करके अलोन करके द सोर्स ऑफ ई में बिंग रिप्लेस मैनुअल रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इस सोर्स को मैं क्या करूँगी, दोनों सोर्स जब एक साथ वर्क कर रहे हो, अब ये जो सर्किट है मेरी, हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम ऑल द कंपोनेंट मस्ट बी लीनियर और बायलैटरल। सुपरपोजिशन थ्योरम में मेरे कंपोनेंट्स कैसे होंगे, एक तो लीनियर होगा या फिर बायलैटरल होगा। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम में जो सारे कंपोनेंट होंगे वो कैसे होंगे मेरे, एक तो लीनियर होगा या फिर बायलैटरल कंपोनेंट होगा। लीनियर मींस क्या, जहाँ जिसका करंट क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल में उसका करंट होगा, तो वो सर्किट क्या हो जाएगी, लीनियर। मीन्स क्या, ऐसा कंपोनेंट जिसका करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, मेरे अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, लीनियर कंपोनेंट बोलेंगे। एंड बायलैटरल मीन्स क्या, द करंट इज सेम बट पोलैरिटी क्या होगी, उसकी अपोजिट होगी, किसके, सोर्स ऑफ वोल्टेज के। और पैसिव कंपोनेंट क्या है मेरे, RLC, R यानी कि रेजिस्टेंस, L यानी कि इंडक्टर, एंड C यानी कि कैपेसिटर, दीज आर दी पैसिव कंपोनेंट। अब इस फिगर में मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है वोल्टेज VAB यूजिंग अ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, इन दिस फिगर मुझे ये टर्मिनल वोल्टेज को क्या करना है, VAB को कैलकुलेट करना है, बट कौन से थ्योरम का यूज़ करके। तो यहाँ पे क्लियरली शो किया है या मेंशन किया है कि यूजिंग अ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इस सर्किट में देखो, दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज दिख रहे हैं क्या, नहीं, मुझे दो ही सोर्सेज दिख रहे हैं, दो से ज़्यादा सोर्सेज है क्या, नहीं है। अब मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम को कैलकुलेट करना है, इस सर्किट का वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करना है यूजिंग अ सुपरपोजिशन थ्योरम। मुझे यूज किसका करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम का करना है। तो ये सर्किट का वोल्टेज टोटल कितने स्टेप में कैलकुलेट होगा, तो तीन स्टेप में कैलकुलेट होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मुझे वोल्टेज V2 को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और ग्राउंड करना पड़ेगा। जब मैं V2 को शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड कर दूंगी, तो मेरा रेजिस्टेंस R1 और R2 क्या हो जाएंगे, एक सीरीज हो जाएगा। नाउ मैंने जब वोल्टेज V2 को शॉर्ट सर्किट किया, तो अब रेजिस्टेंस R1 एंड R2 क्या हो गया, मेरा सीरीज में हो गया ना, बिकॉज इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसका एंडिंग पॉइंट, और इसी एंड पॉइंट से सेकंड के रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग हो रही है। तो ये जो कनेक्शंस होंगे वो किस टाइप के कनेक्शंस होंगे, तो सीरीज कनेक्शंस होंगे। अब जब मैंने वोल्टेज V2 को शॉर्ट सर्किट किया और रेजिस्टेंस R1 और R2 मेरा कैसे हो गया, सीरीज में हो गया, तो इसका मुझे करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, यूजिंग करंट डिवीजन रूल। वोल्टेज ये वाला VAB को कैलकुलेट करना, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट डिवीजन रूल का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय V। V की वैल्यू क्या है, 15 है। मुझे टर्मिनल वोल्टेज VAB VR1 कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल का यूज़ कर रहे हैं, तो R1 upon R1 plus R2 into V, जब इसको मल्टीप्लाई कर रही है तो मुझे वी आर वन यानी कि वी ए बी फर्स्ट और स्टेप में क्या मिल रहा है, मुझे 6 वोल्ट मिल रहा है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगी, टू फाइंड आउट द वी टू अलोन। अब इस सेकेंड स्टेप में क्या करूँगी, मैं वी टू को ऑन करूँगी, ठीक है। वी टू इज वी वन इज अ शॉर्ट सर्किट, वी टू क्या है मेरा सर्किट से कनेक्टेड है और वी वन क्या है मेरा शॉर्ट सर्किट है। स्टेप नंबर टू, वी वन इज अ शॉर्ट सर्किट टेक अ ग्राउंडेड, देयर फोर आर टू एंड आर वन इज सीरीज। तो अगेन मैं कौन सा, सॉरी, जब भी वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल यहाँ यूज नहीं करें। अब यहाँ पे अगेन मैंने वी टू को क्या कर दिया, एक्ट कर दिया। अब सोर्स कौन सा ऑन है मेरा, वी टू ऑन है। अब वी वन को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगेन करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा, करंट डिवीजन रूल नहीं लगेगा। इसके पहले भी सर्किट में हमने वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा। जब मेरा अब फर्स्ट सोर्स क्या है, डीएक्टिवेट है, और सेकंड सोर्स क्या है, सेकंड स्टेप में एक्टिवेट है। और पहले स्टेप में हमने क्या किया था, फर्स्ट सोर्स को एक्टिव किया था और सेकेंड को डीएक्टिवेट किया था। सेम वही प्रोसेस हम अब, जब सेकेंड सोर्स एक्टिंग है और फर्स्ट सोर्स डीएक्टिवेट है, तो वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जब उसको मैंने डीएक्टिवेट किया फर्स्ट सोर्स को, इन सेकंड स्टेप में, तो अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा, आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी, ये मिल गया मुझे। अब माइनस 3 वोल्ट, अब यहाँ का वी जो है क्या है, निगेटिव पोलैरिटी है ना, पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, माइनस 3 वोल्ट। इसकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है, इसलिए माइनस 3 वोल्ट। यहाँ पे मुझे वोल्टेज क्या मिल जाएगा, वी आर टू माइनस 1.8 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम मुझे क्या करना है, इसका टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू अ सुपरपोजिशन थ्योरम, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगा, वी, अब दोनों जो वी आर वन और वी आर टू की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किए उसको सब ऐड कर देंगे, तब जाके मुझे टर्मिनल वोल्टेज वी ए भी कैलकुलेट हो जाएगा। ऐप पॉजिटिव निगेटिव साइन क्या होगा, तो निगेटिव का 6 minus 1.8 इज इक्वल टू कितना होगा, 4.2 वोल्ट। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये होमवर्क है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये भी जो सर्किट है कितने स्टेप में कैलकुलेट होगी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फाइंड आउट द करंट आई, शो द सर्किट अबो। जो आपको ऊपर में सर्किट दिख रही है उसका करंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग अ सुपरपोजिशन थ्योरम। फाइंड आउट द करंट आई शोन इन द सर्किट अबो बाय यूजिंग अ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फर्स्ट पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करते हैं तो इस सर्किट को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, सेकेंड बैटरी को, यानी कि इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। जब इसको आप शॉर्ट करोगे तो रेजिस्टेंस 10 ओम और 30 ओम क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। जब ये सीरीज में आएगा तो फिर ये भी, तो इसका करंट आए आपको क्या करना है, ये जो 30 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है आए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग अ सुपरपोजिशन थ्योरम। ये आपका होमवर्क है।